हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है आपके नए शिक्षा सेवा आयोग को, और उस दिन जो है विधानसभा में भी उस बात को रखा गया, वहां पर भी मंजूरी मिल गई है, और आज जो है आपका नया शिक्षा सेवा आयोग आज पारित हो सकता है, क्योंकि आज जो है उसको पारित करने के लिए जो यहाँ पर जो आपके सत्ता पक्ष हैं वो इस चीज़ को आज रखेंगे बात को। तो फिलहाल आज इसको लेकर के एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चले गए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं यूपीटेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। आप इसको देखिए, पूरा का पूरा स्टडी गाइड है पेपर वन यानी कि कक्षा एक से पांच के लिए। इसमें आपको बाल विकास, शिक्षण विधिया, गणित, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत विषय भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। 3000 से ज्यादा आपको इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे और 4 साल पेपर मिलेंगे 2018 से लेकर के 2021 तक। ये जो बुक है आपको मार्केट में किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से भी जाकर इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो। तो पूरा का पूरा यहां पर जो है स्टडी गाइड है, आपको इसमें पांचों सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी प्रैक्टिस सेट के साथ में। तो जबरदस्त है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको विषय सूची मिल जाएगी और जो यहां पर प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट का आपको एक्सप्लेनेशन भी तगड़े से मिल जाएगा। तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर आप इस बुक को जो है आप जरूर परचेज करो। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक जो है विधानसभा से एक नोटिस जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि प्रस्तावक के नाम में ये सारे के सारे विपक्ष के नाम है, जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने ये कहा है, और संशोधन के रूप में बताया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें। ये जो है विपक्ष की मांग की गई है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो हम यहाँ पर देखने वाले लिखा है कि उच्च शिक्षा मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 पारित किया जाए। तो आज की डेट में जो यहां पर पारित करने की बात किया गया है, और मेन चीज मैं आपको बता दूं यहां पर कि यहां पर पारित करने की जो बात की गई सत्ता पक्ष पे, वो आज पारित हो सकता है। रीजन उसका यह है क्योंकि भाई सत्ता पक्ष के पास विधानसभा में बहुमत है, वो जो भी चीज चाहे, जो भी विधेयक चाहे, वो अपना पास करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि ये उम्मीद नहीं कि आज 100% ये पास हो ही जाएगा, बट बिल्कुल चांसेस है कि आज जो है ये पारित हो जाएगा। 1,26,000 पद जो है उत्तर प्रदेश में खाली है, जिसको शिक्षा मंत्री ने स्वयं स्वीकारा है, बट यही कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को लेकर हमारा अनुपात और समानुपात बिल्कुल बराबर है। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अगर एक बार नया शिक्षा सेवा आयोग पारित हो गया और नया शिक्षा सेवा आयोग अगर एक बार बन गया, तो आप लोग ये मान के चलिए कि फिर आपको बीएड और बीटीसी को एकदम से इकट्ठा हो जाना है, एकजुट हो जाना है, यूनिटी दिखानी है, और यकीन मानिए हम लोग शिक्षक भर्ती छीन कर ले लेंगे, ठीक है। हम लोग विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, उसके बाद ये भर्ती देंगे। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है, पिछले 3-4 साल से हम लोग जो है सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट पर मान नहीं रहे हैं, ये चीज आप लोग मान के चलिए। तो एकजुट होना पड़ेगा, नया शिक्षा सेवा आयोग जैसे बन जाता है हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, फिर चाहे बीएड बीटीसी कोई भी छात्र हो, सबको इकट्ठे आ जाना है और अपनी भर्ती जो है यहां पर जरूर लेनी। कब तक हम लोग जो है अदर स्टेट में अप्लाई करते रहेंगे, तो ये चीज आप लोग मान के चलिए। फिलहाल जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो आप लोग अगर चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे अपडेट आपको मिल जाया करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।